नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेटेक चैनल पर। चलो शुरू करते हैं। टिक की बदले शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। पॉलिटिक में फ्लिपकार्ट की तरफ से, फ्लिपकार्ट का भी बिग बिलियन डे सेल कंप्लीट खत्म हुआ। उसके बाद ही फ्लिपकार्ट का दशहरा सेल स्टार्ट हुआ, जो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा। और अभी फ्लिपकार्ट का दिवाली बिग सेल स्टार्ट होने वाला, जो 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक देखने को मिल सकता है। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकती है। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी का अभी F41 F14 वाला सीरीज देखने को मिला। अभी उसका F41 के मतलब एफ सीरीज वाले और ही फोन देखने को मिल सकते हैं। F12 और सैमसंग गैलेक्सी A02 ऐसे मतलब कुछ बजट रेंज मतलब 10,000 के बीच में देखने को मिल सकते हैं, सैमसंग के फोन देखने को मिल सकते हैं। और जो तीसरी टेक्नोलॉजी शाओमी की तरफ से, शाओमी का जो Note 10 वाली जो सीरीज चाइना में लॉन्च होंगे, उसका एक फोन जो 4G वेरियंट रहेगा, वो ऐसा कहा जा रहा है कि पोको का रीब्रांड वर्जन बन के जो इंडिया में लॉन्च होगा, ऐसा कन्फर्म कुछ मतलब ऐसे कन्फर्म कर दिया गया है। उसमें आपको 22.5 का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है और बहुत बेहतरीन फोन रहेगा। और जो चौथी टेक्नोलॉजी जा रही है वो आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने एक नए टेक्नोलॉजी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने जो अंडरग्राउंड तक मतलब वन मीटर तक 5G का नेटवर्क भी ऐसा कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कुछ ओप्पो वाले से कुछ टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं। जल्दी ही चाइना में भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका देखने को मिल सकता है। इंडिया में भी मतलब कुछ आने को देखने को मिल सकता है, ग्लोबली भी देखने को मिल सकता है। और जो पांचवी टेक्नोलॉजी सैमसंग गैलेक्सी का जो नया फोल्डेबल फोन देखने को मिल सकता है, वो फोल्डेबल फोन भी रहेगा, उसको टैप के सामान भी यूज कर सकते हो, साथ ही उसमें एस पेन भी देखने को मिल सकता है। और जो छठी टेक्नोलॉजी वी चैट जो चाइना में लॉन्च मतलब चाइना ने बनाया था, उसका 19 मिलियन यूजर जो इसमें थे मतलब US में, अभी उसको वी चैट को बैन कर दिया गया। उसकी वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको कन्फर्म कर दिया, मतलब ये US में वी चैट बैन हो जाएगा। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब।